हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक्स एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल मेंस की ये चैप्टर वाइज बुक है और इस बुक के क्वेश्चनों को हम वन बाय वन करेंगे और इस बुक का जो टॉपिक है परसेंटेज वही हमारा चल रहा है। तो आज की ये तीसरी वीडियो है इस बुक की। तो फ्रेंड्स, हम आपके सामने इस बुक के हर क्वेश्चन को बहुत ही स्टैंडर्ड और टेक्निकल तरीके से आपको सिखाएंगे। हर क्वेश्चन आपका बहुत इजी और अलग ही तरीके से और बहुत ही आसान ढंग से होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहे, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट, इतनी अच्छी टेक्निक आपको बताई जाएगी कि शायद अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हल करने के तरीके हैं वो केवल एक ही तरीका है और आप पूरे चैप्टर को एक ही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा है, लैंग्वेज, और उसके बाद इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट। तो ये दो पॉइंट होते हैं जो पूरे मैथ को आसान बना देते हैं। तो पूरे मैथ के जो अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अर्थात लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को आसान कर देते हैं और सिर्फ एक ही कंसेप्ट से इससे वे सब क्वेश्चन हल हो जाते हैं। हर चैप्टर के क्वेश्चन आप इसी कंसेप्ट से हल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले हमारी दो वीडियो बन चुकी है, तो उसमें हम 18 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में प्रत्येक दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। तो इस लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, जबकि हर स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज को ही अच्छी तरीके से नहीं समझ पाता। और एग्जामिनर का यही मोटो होता है कि स्टूडेंट को कन्फ्यूज किया जाए और जिससे कि वह क्वेश्चन को प्रॉपर रूप से हल ना कर सके। तो मेन लैंग्वेज ही होती है क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो देखिए, इसने कहा है हर वर्ष, यानी प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो 2003 में 2000 की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में कोई भी संख्या, कोई भी वैल्यू, कोई भी कुछ भी दिया हो वो 100% होता है। तो देखिए, सबसे पहले 2000 में उसकी जो परसेंटेज रही होगी वो 100% थी उसकी संख्या में, उसकी संख्या 100% थी। और अब जैसे कि क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक दूसरे वर्ष 10% और की वृद्धि और कमी होती है, तो 2000 से 2003 तक 3 वर्ष बनते हैं, तो 3 बार यही कंडीशन रिपीट करके लिखेंगे। पहले वर्ष 10% की वृद्धि, नेक्स्ट 10% की कमी, फिर नेक्स्ट 10% की वृद्धि, इस प्रकार से हम 3 वर्षों तक लिख सकते हैं ये। तो देखिए, पहले वर्ष 10% की वृद्धि, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 110, नेक्स्ट 10% की कमी 90/100, नेक्स्ट फिर 10% की वृद्धि होगी तो 110/100। और अब इसको हल कर लेंगे और हल करते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर परसेंट से मैंने ये 2 जीरो काटा और ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 जीरो से ही मैंने ये 2 जीरो काटी, इसके बाद यहाँ पर से 1 जीरो से ये मैंने 1 जीरो काटी। अब ऊपर की संख्या 11, 9 और 11 रह गई है, इनकी आपस में गुना करेंगे तो 11 99 गुना 11/10। अब इसको हल कर लीजिए, 11 99 9 108, और 10 से इसे भाग करेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। तो देखिए, हमारी जनसंख्या पहले थी 100, अब 100 से कितनी हो गई है बढ़कर 108.9, यानी कि 8.9% की वृद्धि हुई है। तो 2000 से 2003 तक
8.9% की वृद्धि हुई है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 8.9% की वृद्धि। तो फ्रेंड्स आसानी से हर क्वेश्चन आप सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन ए, 8.9% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दो वर्ष वो मेरी मोटरबाइक का मूल्य 62,500 रुपये था और उसके मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है, तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा। तो देखिए, दो वर्ष पहले 62,500 रुपये था, प्रतिवर्ष 4% के मूल्य में कमी आ रही है, तो अब उसका मूल्य 62,500 से घटकर कम हो जाएगा। तो वही हमें मूल्य ज्ञात करना है, 4% हर साल घट रहा है। तो देखिए, दो वर्ष पहले मूल्य था 62,500 और हर साल घटना शुरू हो गया ये रेट 4% की दर से। जैसे कि मैंने बताया था, अगर परसेंट में कमी गए तो 100 में से घटा कर लिखते हैं, परसेंट में वृद्धि गए तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे। तो 4% की कमी होती है, 96% रह गया रेट। फिर नेक्स्ट ईयर, फिर अगले साल भी 4% की कमी होती है, 96% रह जाता है। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए, 20 से 20 और 25 से 625 को 25 बार डिवाइड किया और 25 से 25 चौका 100, 4 से इसको डिवाइड किया, 4 × 8, 4 × 16, 24 बार। अब 25 × 24 × 96, यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए, 25 × 24 की गुणा करेंगे 600 होता है, 25 × 4 = 110, 25 × 4 = 0, 80 = 10, 25 × 50 = 10, 60, यानी कि 25 × 24 हो गया 600 और गुणा 96। अब हल करेंगे, देखिए गुणा करेंगे, 20 × 6 = 36, 6 × 54 = 57, 57,600 रुपये। तो अब उसका मूल्य घट घट कर 57,600 रुपये हो गया और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 57,600 रुपया आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट एक बहुत अच्छे मेथड से और सीखेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान करेंगे अब नए मेथड से, और ये मेथड हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में चलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है। उसी कंसेप्ट का मैं यहाँ तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान होता है। देखिए, जब भी क्वेश्चन में दो वर्ष दिया हो तो संख्या हमेशा वर्ग वाली होगी, और यदि समय 3 वर्ष दिया हो तो संख्या हमेशा घन वाली होगी। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बिना लिखे ही कर सकते हैं, यानी कि एग्जाम में सेकंड भर में ही, मात्र सेकंड भर में ही हम क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखिए, समय 2 वर्ष पूर्व है तो यहाँ पर जो संख्या आई है, यानी कि ये जो मूल्य आया बाइक का 62,500, इस तरीके से दिया है कि एक वर्ग वाली संख्या के रूप में इसका रेट दिया है, क्योंकि इसका एक रीज़न बनता है, क्योंकि 62,500 के बजाय वो 62,600, 62,700 या 49,400 कुछ भी दे सकता था, लेकिन इस तरह का रेट ही क्यों दिया है ये सोचिए आप। क्योंकि समय 2 वर्ष है तो देखिए, वर्ग वाली संख्या, जैसे कि आपको मालूम है 625 एक वर्ग वाली संख्या होती है, 25 का वर्ग होती है, बहुत आसानी से देख सकते हैं हम। तो इसी तरीके से उसने यही तो सोच कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को हम बिना लिखे भी आसानी से सेकंडों में हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि 2 वर्ष पहले उसका जो रेट था वो 62,500, यानी कि 625 आप देख सकते हैं, इसको 625 वर्ग के रूप में देखिए, और यदि पूरी कंडीशन को देखते हैं तो 250 का वर्ग बनता है ये, यानी कि 250 का वर्ग बनता है ये, अगर आप पूरी कंडीशन देखें। लेकिन हम देखते हैं 625, 25 का वर्ग है 2 साल पहले, अब घट घट कर वो कम रह गया, यानी कि घट कर भी वो वर्ग वाली संख्या में ही आएगा। तो देखिए, 625 25 का वर्ग होता है, तो 25 के बाद घट घट के कितना, 25 के बाद जो घटने वाली संख्या है,
25 के बाद घटने वाली संख्या 24 है, 25 के बाद 24, तो 24 का वर्ग देखेंगे, 24 का वर्ग होता है 576। जैसे यहाँ 625 के बाद दो जीरो है, इसी प्रकार यहाँ पर 576 के बाद आप दो जीरो लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, और आप इस क्वेश्चन को विदाउट पेन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ये आपका सेकंड मेथड है। तो इस मेथड से भी आपका आंसर बहुत इजीली बनता है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा 57,600। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सुपर क्वेश्चन है आपके सामने। 1980 से 1990 तक, यानी कि 10 साल तक किसी देश की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई। उसके बाद 1990 से 2000 तक फिर 20% की वृद्धि, फिर 2000 से 2000 तक 20% की वृद्धि, यानी कि तीन बार, हर 10 साल बाद तीन बार 20% की वृद्धि होती है। तो 1980 से 2010 तक, यानी कि 30 साल बाद बैठता है ये, तक देश की कुल आबादी बढ़कर कितनी हो गई। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको आसान करेंगे। देखिए सबसे पहले उसकी जनसंख्या 1980 में 100% रही होगी। अब इन 10 सालों में 1980 से 1990 तक 20% बढ़ गई, जैसे कि मैंने आपको बताया है। 100% में जोड़कर लिखेंगे 120% हो जाएगा, और 120 को भी और आसान करके लिख सकते हैं 120% के बटे 100, 20 छिके 120 पंजे 100, यानी कि 6/5 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 6/5, और यह क्रिया तीन बार तक हुई है, 20% 20% और 20% तीन बार तक। तो तीन बार तक लिखेंगे इसको और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो अब देखिए 5×5=25, 6×100, देखिए 25×6=100। अब इसको हल कर लीजिए, 6×36=216, 6×, देखिए 216 6 और बटे में 5। अब हम हल करते हैं, 5×20 या 0.8 बार कट जाएगा ये, 5 से 0.8 बार कटेगा ये, तो 0.8 की इसकी गुणा करेंगे, 8×48 4×8=12, हासिल 8×2=16 17। और अब एक अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। तो देखिए कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 100 माना था, 100 के बाद हो गया 172.8, यानी कि 72.8% बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं 72.8% की वृद्धि हुई है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए बहुत आसान और बहुत इजी कंसेप्ट है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से हमारा क्वेश्चन आसान करेंगे। 72.8 हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनेगा, 72.8 ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए जूस की आपूर्ति 35 दिनों तक रहती है। जूस यानी जैसे एक फैमिली में जूस बनाकर परिवार के सदस्यों को दिया जाता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जूस की आपूर्ति, यानी कि जूस की जो आपूर्ति है 35 दिनों तक रहती है, यानी कि 35 दिनों तक एक परिवार में जूस चलता है, यानी कि महीने का या महीने से ज़्यादा दिनों का के लिए जब एक इकट्ठा जूस ले आते हैं, यानी कि ऑरेंज ले आते हैं या संतरे ले आते हैं, और जब उनका जूस निकाला जाता है, तो उस परिवार की जो आपूर्ति है वो 35 दिनों तक रहती है, ये लैंग्वेज में समझाया गया है। अब इसमें छोटा सा पॉइंट, और जो कि क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल करेगा और आसान बना देगा, लिखते ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ये छोटा सा पॉइंट समझना। यदि इसका उपयोग
यानी कि उस जूस का उपयोग 40% बढ़ा दिया जाए, यानी कि सदस्य तो पहले वाले जितने ही रहेंगे लेकिन इसका जो उपयोग है वो 40% बढ़ा दिया जाए, यानी कि यूज उपयोग का मतलब उसे ज़्यादा देते थे, अब उसकी मात्रा जो है ज़्यादा कर दी गई है ना, तो 40% बढ़ जाता है, यानी कि दिन 35 दिनों तक वह जूस चलता था, कितने दिनों तक चलता था, 35 दिनों तक चलता था, लेकिन जैसे ही उसका उपयोग अधिक कर दिया जाएगा तो अब वह 35 दिनों तक नहीं चलेगा, कम चलेगा, वो 35 दिनों से कम चलेगा, मात्रा कितना परसेंट बढ़ गई, 40%, जैसे कि मैंने बताया था कि 100% में जोड़ कर लिखते हैं, जैसे कि पहले यूज़ 100% होता था उसका, अब उसका यूज़ बढ़ा दिया गया है 40%, तो अब यूज़ होने लगा, देखिए पहले 100% होता था, ये पहले 100% होता था यूज, अब उसका यूज 40% बढ़ा दिया, तो कितना हो गया टोटल, 140% के बराबर हो गया, ये 35 दिन ही लिखेंगे, यहाँ से देखिए जब यूज की मात्रा बढ़ जाएगी तो दिन अब कम आएगा, तो अब हम इसको आसानी से हल करेंगे, देखिए 35 ही कम 35 चौका 140, और यहाँ से परसेंट के हम 2 जीरो बटे में लिख लेंगे या इधर लिख लेंगे, ऐसे लगा देंगे और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 को 4 से 100 को डिवाइड करेंगे, 25 बार कटेगा, तो अब वह जूस 25 दिनों तक चलेगा, तो जैसे ही जूस का उपयोग 40% बढ़ा दिया जाता है तो अब वह 25 दिनों तक चलता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 25 डेज, यानी कि 25 दिन, क्वेश्चन नंबर 23, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही इजी, वर्त का क्षेत्रफल जिसको हम पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, देखिए वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जहाँ पर आर जो होती है हमारी त्रिज्या होती है, यदि त्रिज्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि आर स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार 5% व 5% की वृद्धि होती है, और ये 2 बार कैसे होता है आप समझ लीजिए, आप देख लीजिए, ये एक वर्त होता है और वर्त की त्रिज्या केंद्र से ये वाली दूरी हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये हो गया वृत्त की त्रिज्या r, और केंद्र से इधर भी अगर हम देखें वृत्त की ये त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ लो r, तो इसका पूरा क्षेत्रफल जो बनेगा आर स्क्वायर बन जाता है, पूरा क्षेत्रफल आर स्क्वायर बन जाता है, इसलिए हमें क्या करते हैं, पहले वर्त का क्षेत्रफल रहा होगा 100, फिर त्रिज्या में 5% की वृद्धि और फिर 5% की वृद्धि, 2 बार लिखेंगे इसको, 105/100 गुणा 105/100, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि वर्त के क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, 105 व 105 की गुणा करेंगे, 105 का वर्ग होता है 5 का वर्ग 25, और 10 यहाँ पर है, 10 की गुणा अगली संख्या में करेंगे 11 में, 11 धाम 110, या फिर आप इसका वर्ग कर लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए 105 का वर्ग 5 का वर्ग 25 होता है, और 10 से अगली संख्या 11 होती है, 11 में गुणों 11 धाम 110, ऐसे ही 115 का वर्ग होता है, देख लीजिए 5 का वर्ग 25 और 11 की गुणा अगली संख्या 12 में करेंगे,
12 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 का 2 का हासिल 2, 11 एकम 11 2 13। इस तरह से आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने भी इस वर्ग को ऐसे ही बनाया है, 105 का वर्ग 5 का 25, 10 की गुणा 11 में करेंगे, 11 दाम 110, और 100 बटे 100, 100 से हम इसको भाग करेंगे, दो अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो हमें मालूम हो गया है 100 से अब क्षेत्रफल बढ़कर हो गया 110.25%। कह सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, 10.25% की वृद्धि हुई है, और यही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, या एक ट्रिक्स होती है, उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए कई सारे तरीके हैं इसे हल करने के। देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल, 5% की त्रिज्या में वृद्धि हुई, तो प्लस, वृद्धि के लिए प्लस 5, एक बार फिर लिखेंगे प्लस 5, प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 5×5=25 बटे 100% का चिन्ह। तो इस कंसेप्ट से भी इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए अब इसे हल कर लीजिए, 5 और 5 जोड़ेंगे 10, और 100 से इसे भाग करेंगे, 10.25%। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, 10.25% की वृद्धि। एक ये होता है, और एक क्वेश्चन इसको और आसान कर सकते हैं। इसको देखिए, इसको थर्ड मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं, दी गई संख्या 5 है, ये इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, 5 को हम 5 का वर्ग 25 और 5 दुनी 10। देखिए 5 का वर्ग 25 और 5 दुनी, क्योंकि दो बार है, 5 दुनी 10, दो हम छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो इस प्रकार भी हम इसको आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनाकर देता हूँ मैं एक्स्ट्रा, यदि किसी वर्ग की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए ऐसे, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगी। 10 का वर्ग 100, देखिए 10 का वर्ग 100 और 100 में 2 जीरो लिखेंगे, हासिल 1, दो हम छोड़कर दशमलव लगाएंगे, 10 दुनी 20 और 1 21, 21% वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कई सारे तरीके हैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। आप इस प्रकार या इस प्रकार से या इस प्रकार से कैसे भी कर सकते हैं, बहुत इजी और बहुत आसान मेथड है आपको हल करने के लिए सिखाया जा रहा है। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स, एक बार फिर देख लीजिए। देखो 5% की वृद्धि हो रही है त्रिज्या में, तो यह दो बार होगी, तो दो बार के लिए 5 का वर्ग 25, दो अंक छोड़कर दशमलव, 5 दुनी 10 इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 दुनी 10 10.25। ऐसे ही हम कर सकते हैं, अगर 10% की वृद्धि गए, 10 का वर्ग 100, दो अंक छोड़कर दशमलव, हासिल 1, 10 दुनी 20 रेक 21 ऐसे। ऐसे ही हम और कह सकते हैं, अगर 4% की वृद्धि होती है, 4 का वर्ग 16, दो अंक छोड़ कर दशमलव, 4 दुनी 8 8.16% की वृद्धि। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और ऐसे इसका आप आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के खतरनाक क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और जैसे जैसे हम इस बुक्स के क्वेश्चनों को करते जाएंगे, हर चैप्टर आपके लिए इस
इस बुक का हर चैप्टर, हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान करके सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को देखते रहिए और लगे रहिए हमारे चैनल के साथ, जिससे कि हम आपका मैथ बहुत ही आसान कर दें और लाइव में आपके लिए हर मैथ, सारी मैथ्स की कोई भी बुक्स या कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। तो फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। अब हम यहाँ से इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मालूम हो चुका है, 10.25% ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाने पर, देखिए 50% पहले वर्ग की भुजा थी 100, अब यदि उसकी भुजा को हमने 50% बढ़ा दिया तो बढ़कर हो गया 150। ये हमारी भुजा है। तो एक वर्ग की भुजा 100 थी, अब वह बढ़कर 50% बढ़ने पर वह हो गई 150%। तो नए बने वर्ग, यहाँ से नया वर्ग बनेगा, इधर हमारा पुराना वर्ग है। तो नए बने वर्ग और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात बताना। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल के बीच का अनुपात बताना, तो यहाँ से हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। पहले हम इसको छोटा करेंगे, जिससे कि हमारे लिए ये आसान हो जाए। 50 से ये छोटा हो जाएगा, 50 × 100, 50 × 150। ये भुजा आ गई, तो यहाँ पर भुजा का वर्ग कर दीजिए तो इनके बीच के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। देखिए भुजा यहाँ 2 है, 2 का वर्ग 4, और यहाँ भुजा का रेशो 3, 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का रेशो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए नए और पुराने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात यहाँ पर है नया वर्ग और इधर है पुराना वर्ग। इन दोनों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 9:4, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 9:4। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स, देखिए बहुत आसान और बहुत ही खतरनाक और इजी मेथड से हम हर क्वेश्चन आपको कराएंगे, ये मैं विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ। आप वीडियो को देखते रहे, यदि आपको दमदार बनना है मैथ में सबसे ज़्यादा खतरनाक बनना है यदि, तो आपको ये सारी चीज़ें और हमारे हर मैथ्स के हर क्वेश्चन को देखना होगा। और हर क्वेश्चन हम आपको कोई अलग तरीके से नहीं, आपको कंफ्यूज करने वाली बातों से नहीं पढ़ाएंगे, सब एक ही तरीका होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसको इक्वल टू इक्वल लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम हर क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे 60% या 65% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आसान एकदम बिना लिखे ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको लैंग्वेज के बाद इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से, यानी कि इक्वल टू इक्वल करके हल करना होगा। बस यही पूरे मैथ की ताकत है, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा मैथ आपको सिखाएंगे, हर चैप्टर आपको, हर क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्स का 50% बराबर वाई का 30% के बराबर है, तो एक्स और वाई का रेशो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको आसान करेंगे, देखिए यहीं से ही आसान हो जाएगा, छोटा कर लीजिए, 10 से कट जाएगा, 10 × 3 = 30 और 10 × 5 = 50। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 × x = 5x = 3y।
पाँच एक्स बराबर तीन वाई। तो अब इसको अनुपात के रूप में लिख लीजिए, एक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा तीन बटे पाँच, यानी कि एक्स अनुपात वाई बराबर हो गया तीन अनुपात पाँच। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, तीन अनुपात पाँच। देखिए बहुत आसान और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट ही है यहाँ पर। ये रहा, देखो इस राशि के बराबर है ये राशि, इसी को इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बराबर के बराबर, यानी दोनों कंडीशन बराबर हो जाती है। या तो क्वेश्चन में दोनों कंडीशन बराबर आएगी या दोनों कंडीशन को हम बराबर कर लेते हैं, एक साइड में संख्या और दूसरी साइड में रेशो या परसेंट के अकॉर्डिंग उसको बराबर करते हैं, इसी को हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और यदि आपको इस कंसेप्ट को पूरा जानना है तो हमारी वीडियो एक अलग से ही बनी हुई है हमारे चैनल पर, आप उसमें हम इसको पूरा कंप्लीट इसको कंसेप्ट को बताया है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा एक्स रेशो वाई हो गया तीन रेशो पांच, यानी तीन अनुपात पांच, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत आसान भी है, बस पॉइंट और लैंग्वेज का खेल है इसमें। बस यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चन को आसान कर देंगे, यानी कि इसका आंसर एकदम बता सकते हैं यदि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें। जैसे देखिए, श्री एक्स और श्री वाई दो व्यक्ति है, ये श्री एक्स और श्री वाई ये दो व्यक्ति हैं, और प्रत्येक ने 10% ऑफ कूपन का उपयोग करके एक ही तरह के मोटरसाइकिल खरीदे, यानी कि दोनों ने एक ही तरह के यानी सेम तरह के यानी सेम टाइप वाले सेम रेट वाले कह सकते हो, एक ही तरह के दोनों ने मोटरसाइकिल खरीदे। तो श्री एक्स के खजांचे ने, अब श्री एक्स का एक खजांची है, इसी प्रकार श्री वाई का भी खजांची है, तो श्री एक्स के खजांची ने कीमत पर 10% की छूट ली, जो मोटरसाइकिल की कीमत थी उस पर 10% की छूट ली, और फिर 8.5% बिक्री कर जुड़वा दिया, यानी टैक्स जुड़वा दिया। तो श्री एक्स के खजांची ने क्या किया, मोटरसाइकिल की कीमत पर 10% की छूट ली, उसके बाद टैक्स जुड़वा दिया। इसी प्रकार श्री वाई के खजांची ने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, बिक्री कर जुड़वा दिया, यानी कि इस पर भी बिक्री कर यही लगेगा और छूट इसने भी यही ली 10% की। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोनों की कंडीशन सेम है, यानी कि आप जब जानते हो, जब क्वेश्चन में आरंभ में ही कह दिया गया है, आप देखिए लॉजिक है, कंफ्यूज करने की बात है, राइटर द्वारा स्टूडेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब या कंफ्यूज किया जाता है लैंग्वेज के माध्यम से। यदि हम लैंग्वेज समझ ले तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम क्वेश्चन यहीं बता देंगे, क्वेश्चन हमें यहीं से ही मालूम हो गया। जब उसने कहा श्री एक्स और श्री वाई ने प्रत्येक ने 10% ऑफ कूपन का उपयोग करके एक ही तरह की मोटरसाइकिल खरीदी, जब एक ही तरह की मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो सेम रेट पर मिलेगी, वो दोनों को सेम रेट पर मिलेगी। अब उस पर चाहे टैक्स लग रहा हो, जो टैक्स एक्स के खजांची ने दिया वही टैक्स वाई का खजांची देगा, जो छूट एक्स के खजांची ने ली वही छूट वाई के खजांची को मिलेगी, क्योंकि दोनों ने सेम मोटरसाइकिल खरीदी है, एक जैसी मोटरसाइकिल खरीदी है, तो इसलिए इनका भुगतान, एक्स का भुगतान भी वाई के भुगतान के समान होगा, यानी कि जो मोटरसाइकिल एक्स जितने रुपए की खरीद के लाएगा उतने ही रुपए की वाई भी मोटरसाइकिल खरीद के लाएगा, यानी कि वाई को भी उतना ही भुगतान करना पड़ेगा जितना भुगतान एक्स ने किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं श्री एक्स द्वारा भुगतान राशि तो श्री वाई द्वारा भुगतान राशि के बराबर है, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हम समझें तो डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़कर ही डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो आ चुका आपके क्वेश्चन का आंसर, ये रहा वाई द्वारा भुगतान की राशि के बराबर होगा। अब इसको हल भी कर लेते हैं, देखिए हल भी करके देख सकते हैं इसको, आंसर तो हमारा आ गया लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए अब हम हल करके दिखाते हैं इसको,
श्री एक्स ने क्या किया, उस मोटरसाइकिल की कीमत 100% थी, तो उस पर उसके एक्स के खजांचे ने क्या किया, पहले 10% की छूट ली, 10% की छूट ली तो 90% में पड़ेगी वो, और उसके बाद उस पर टैक्स 8.5% का बिक्री कर जुड़वा दिया, बिक्री कर जुड़वा दिया, यानी ये बढ़ गया 100% में, जोड़ कर लिखेंगे 108.5% का बटे 100। ये तो एक्स के खजांचे द्वारा प्रक्रिया की गई है, इसी प्रकार यहाँ से हम वाई के खजांचे द्वारा प्रक्रिया कराएंगे। उसकी कीमत मोटरसाइकिल की 100 थी, अब वाई के खजांचे ने क्या किया, पहले बिक्री कर को जुड़वा दिया, यानी कि 108.5% का बटे 100, और उसके बाद 10% की छूट ली, यानी कि 90/100। अब देखिए दोनों की कंडीशन सेम बन रही है, देख सकते हो आप, ये रहा सेम कंडीशन ये है और सेम ही कंडीशन ये है, तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ से बिल्कुल आसान हो गया है, देख लीजिए बहुत ही आसान। अब आप चाहे इसको हल कर लीजिए या इसको हल कर लीजिए, दोनों की कंडीशन सेम है, इक्वल है, तो दोनों की भुगतान राशि भी बराबर ही होगी, बराबर ही होगी। अब देख लीजिए कितनी कितनी भुगतान राशि बनेगी इनकी, ये भी देख सकते हैं। आगे चाहे आप इसको हल भी कर लीजिए, वैसे क्वेश्चन तो बन चुका, इक्वल टू इक्वल बराबर हो गया, इसीलिए एक्स की भुगतान राशि वाई द्वारा भुगतान की राशि के बराबर होगी। लेकिन अब आप इसको हल भी कर सकते हैं, देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 1 0 कटेगी, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब 9 की गुणा यहाँ करेंगे, 9 की गुणा यहाँ करेंगे, 10 से भाग करेंगे, हो जाएगा आंसर। देखो 9 5 45, हासिल 4, 9 8 72, 9 8 72 और हासिल 4 76, हासिल 7, 9 1 9 वो 9 9 9 9 1 9। देखिए 9 5 45, हासिल 4, 9 8 72 और 4 76 का 6 का हासिल 7, 9 2 90 7 97। और जैसे ही 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव हटकर यहाँ आ जाएगा, तो 97.65 ये बनता है, और इसी प्रकार इसका सेम रूप यही आएगा, 97.65। तो देखिए एक्स को जो भुगतान राशि देनी होगी वो वाई के बराबर देनी होगी, तो दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है, बराबर होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, वाई द्वारा भुगतान की राशि के बराबर। तो देखिए हल करने में आप हल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप माइंड का और क्वेश्चन की लैंग्वेज का यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को हल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही मालूम हो जाएगा कि जब उन्होंने एक ही तरह की मोटरसाइकिल खरीदी है तो दोनों का सेम रेट होगा, तो जो एक्स को भुगतान राशि देनी पड़ेगी वही वाई को भुगतान राशि करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स कहता हूँ मैं कि मैथ्स के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज 65% या 60% से भी ज़्यादा क्वेश्चन को आंसर डायरेक्ट दिला सकती है और दिलाती है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चनों में, हम लैंग्वेज से ही क्वेश्चनों को बताते चले जाएंगे और छोटे से एक ही कंसेप्ट से, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हम उनको हल करते जाएंगे। बस मैथ पढ़ाने का यही एक छोटा सा और स्टैंडर्ड और ख़तरनाक तरीका है, और इस तरीकों को तैयार करने में मुझे 20 साल लगे हैं, और मैथ पढ़ाने का मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैं आपको अपने इस खोज के अकॉर्डिंग इसको आपके लिए आसान कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीखें और आपके मैथ के हर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाइए, और आप जानते हो कि ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आगे भी देखते रहिए फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 27। एक एंटिक की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, फिर उसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है। सबसे पहले बताया है 20% की कमी और उसके बाद फिर 10% की कमी हो जाती है, तो कीमत में कुल कमी परसेंट बताए। देखिए, इससे पहले मैंने कई सारे सवाल इस तरह से कराए हैं, तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले उसकी कीमत 100 रही होगी, 100% यानी कि 100, और उसकी कीमत में अब 20% की कमी हो जाती है यानी कि 80% रह जाती है वो, और फिर इसके बाद 10% की कमी और हो जाती है, 90% रह जाती है। तो फाइनल उसकी कीमत में कुल कितने परसेंट की कमी हुई ये हमें फाइंड हो जाएगा। देखिए, 20 से 20, यहाँ पर 20 से 20, 8 नंबर 72। देखिए, 100 की चीज़ जो है अब 72 की रह गई, यानी कि हम कह सकते हैं 100 में से जब 72 100 की चीज़ 72 की रह जाएगी, तो इसका मतलब 28 की कमी आई है, अर्थात 28% की कमी होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 28% की कमी। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट मेथड आपके सामने ये भी है, सेकंड मेथड इसका ये भी है, 20 की कमी के लिए माइनस, फिर 10 की कमी के कमी आई है 10 की, फिर माइनस का 10, माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 20 दाम 200, 20 की 10 की गुणा करेंगे 200 बटे 100% का चिन्ह। अब इसको हम हल करेंगे, 20 से 20 और 20 व 10 माइनस का 30 में से 2 घटाएंगे, माइनस 30 में से 2 घटाएंगे 28, और माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ से इसे हल करके लिख सकते हैं 28%। ये माइनस का चिन्ह कमी को कहता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 28% की कमी। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छा समझना है, इसको हम बहुत ही आसान करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ए वार्षिक वेतन का 25%, यानी कि ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। देखिए, इक्वल टू इक्वल आ चुका है, बराबर बराबर, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है। अब इसको हम यहाँ से छोटा कर लेंगे, बिल्कुल आसान, 5 से कटेगा, 5 × 5 = 25, और 5 से इसको हम काटेंगे 16 बार। देखिए, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 23, 16 बार, बहुत आसान हो चुका है यहाँ से। अब इसको बराबर का मान अपना होता है, यानी कि उल्टा करके लिखेंगे, ए बी, ए बी, और इसमें सी भी साथ में लिया गया है, तो साथ में सी भी लिख लीजिए यहाँ। अब देखिए, बहुत आसान, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। देखिए, ये यहाँ पर वार्षिक वेतन है ए और बी के, तो वार्षिक वेतन को मासिक वेतन में करने के लिए उन्हें 12 से भाग करेंगे। देखो, जैसे ए का मासिक वेतन है 16 और बी का मासिक वेतन है 5, तो 12 से भाग करेंगे, ये मासिक हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पर इनका रेशो लिख देंगे। तो इस प्रकार हम इस कंडीशन को जानते हैं। तो देखिए, बहुत आसान करेंगे, यहाँ पर ये मासिक वेतन हो गया, ए का लिखेंगे 16, बी का लिखेंगे 5, और आगे का है बी का मासिक वेतन
सी के मासिक वेतन का 40% है। सी के मासिक वेतन यदि 100% है तो उसका ये 40% है। तो अब इसको भी छोटा कर लीजिए, 20 दुनी 40 और 20 पंजे 100। अब देखिए बी दोनों के साथ है, बी ए के साथ भी है और बी सी के साथ भी है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू यहाँ दोनों जगह समान होनी चाहिए या समान बनानी चाहिए। तो बनाते हैं, यहाँ बी का रेशो 5 है, यहाँ 2 है, तो दोनों की अपोजिट गुणा कर दो। देखिए 2 की गुणा यहाँ करेंगे और 5 की गुणा हम यहाँ करेंगे, तो 2 पंजे 10 या 5 दूनी 10, तो बी का रेशो जो है 10 हो जाएगा। और 2 की गुणा यहाँ करेंगे तो 2 के साथ यहाँ भी गुणा करेंगे। देखिए 2 की गुणा यहाँ करेंगे, 16 दूनी 32 और 2 पंजे 10, और जब 5 की गुणा यहाँ है तो 5 की गुणा यहाँ भी करेंगे, 5 पंजे 25। तो यहाँ से हमारा बिल्कुल आसान हो गया है, ए बी सी का रेशो हमें आसानी से प्राप्त हो गया है। देखिए ए बी सी का रेशो हमें आसानी से प्राप्त हो गया है, ए का रेशो 32, बी का रेशो 10 और सी का रेशो 25 है। ये इनकी मासिक आय का रेशो है। अब यहाँ पर कहा है सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। जब वार्षिक वेतन यानी कि एक साल का 6 लाख रुपए है तो एक महीने का कितना होगा, 50,000 रुपये। एक महीने का 50,000 यानी 6 लाख को हम यदि 12 से भाग देंगे तो एक महीने का 50,000 रुपये हो जाएगा। तो सी का मासिक वेतन हो जाएगा इस वेतन के रेशो के बराबर, 50,000 रुपये। अब इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट हमारा तैयार हो गया है। यहाँ सी का मासिक वेतन रेशो में है 25 और संख्या में है यहाँ 50,000। इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के बाद इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में रेशो इक्वल होता है। तो 25 से मैं 50 को भाग दूंगा, 25 दूनी 50, 2000 बार कटेगा। अब जैसे कि पूछा गया है ए का मासिक वेतन, ए में गुणा करेंगे 2000 की, तो 32 दूनी 64, 32 दूनी 64,000, तो ए का मासिक वेतन होगा 64,000 रुपया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 64,000 रुपया। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 64,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 29, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। देखिए दो संख्याओं की बात की जा रही है कि हम तीसरी संख्या से 37% और 30% दोनों की बात की गई है, 30-37। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, बहुत आसान और बहुत इजी मेथड से आपके सामने देखिए। यहाँ पर हम सबसे पहले तीन संख्याओं को लिखेंगे और इसमें तीसरी संख्या से ये दोनों संख्याएं कंपेयर कर रही हैं, तो इसका मतलब तीसरी संख्या हमारी 100 है। अब यह 100 से या पहले वाली संख्या 30% कम है यानी कि 70% है, और दूसरे वाली संख्या इससे 37% कम है, इसका मतलब 63 है। इससे 37 कम 63 ही होगी और इससे 30 कम 70 होगी, ऐसे लिखेंगे। तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, ये वाली दूसरी संख्या इस पहली से कितना परसेंट कम है, बहुत आसान। इससे 7 कम है तो परसेंट में बताएंगे, 70 से 7 कम है तो परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए 7 दाई 70 और 10 दाम 100, तो हम कह सकते हैं 10% कम है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का हल हो गया है, ऐसे किया जाता है क्वेश्चन को और बहुत ही आसान किया जाता है, और ऐसे ही किए जाएंगे हर क्वेश्चन आपके सामने। देखते रहिए और अच्छी तरीके से समझिए क्वेश्चनों को कैसे आसान किया जाता है।
यही तो सीखना है आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी स्टूडेंट्स को यही सीखना है कि क्वेश्चन कैसे आसान, बिल्कुल सेकंडों में आसान कर सकते हो आप। बस आपको सीखने में ही देर लगती है बट करने में देर नहीं लगेगी। तो आप प्लीज़ ध्यान से इसको सीखे, कंसेप्ट को, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट को सीखे और सेकंडों में क्वेश्चन को हल करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी होने से पहले वाले रेट के बारे में पूछा गया है। अगर हम पहले वाला रेट निकालें तो कैसे निकालना, बहुत ईजी है। देखिए पहले भी पढ़ाया है इस टाइप का क्वेश्चन, वह 160 रुपये लेके गया था और जब दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने कहा भाई रेट में 20% की कमी हो गई है, तो इस रेट पर 160 पर 20% की कमी हो गई, इस कमी की वजह से उसे 8 किलो चीनी अधिक मिलती है। तो 8 से इसे भाग देंगे, तो जैसे ही 8 से भाग देंगे तो यहाँ से 1 किलो चीनी का रेट मालूम हो जाता है और ये रेट हो जाता है अब का रेट। यदि हम इसको इतने को हल करेंगे तो अब का रेट, वर्तमान का रेट हमें मालूम हो जाएगा, यानी कि नया रेट जो अब बना है वो रेट मालूम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कमी से पहले चीनी का रेट क्या था, यानी कि पहले पुराना रेट क्या था। तो पुराना रेट ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का ही यूज करते हैं। तो देखिए 20% की कमी हो रही है, अब 20% की छूट मिल रही है ग्राहक को, तो इसका मतलब 80% खरीद रहा है, तो यह रेट 80% के बराबर है। अब जैसे ही 80% से हम इसे हल करेंगे तो 100% यानी कि पहले वाला रेट हमें मालूम हो जाएगा। तो देखिए इसको हल करते हैं, 20 चौक 80, 8 दुनी 16, 20 बार कटा और 4 पंजे 20, 5 बार, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5 रुपये पर केजी। तो पहले उस चीनी का जो रेट था वो 5 रुपये किलो था, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 5 रुपये पर केजी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 क्वेश्चन बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन है, तो देखेंगे कैसे हल किया जाएगा, बहुत आसान तरीके से, इजी मेथड से, और वही क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से हल होगा। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष है। तो देखिए पुरुष कितने हैं, 1000 निवासियों में से 60%, यानी कि 600, 1000 का 60% होता है 600, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 600 पुरुष हो गए 600, बचे हुए 40%, इसका मतलब महिला है, तो 1000 का 40% होता है 400, तो 400 महिलाएं हो जाएगी यहाँ पर। देखिए नगर में 600 पुरुष 400 महिला हो गई 1000 निवासी, टोटल नगर में 1000 निवासी हो गए, अगर इनको जोड़े तो 1000 निवासी हो जाते हैं। अब पूछा है जिनमें से 20% साक्षर है। देखिए जो 60% पुरुष है जिनमें से 20% साक्षर है, यानी कि पुरुषों का 20%, यानी कि 600 का 20% होता है 120, 600 का 20% ऐसे 600 का 20% देख लीजिए, परसेंट से मैंने 20 काटा, 60 दुनी 120, 120 बनता है, तो 120 जो है साक्षर है, 120 साक्षर है। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर है, अब बात आई सभी निवासी की, सभी निवासी है 1000, तो 1000 का 25% कितना बैठता है, 250 बैठता है। सभी साक्षर कितने हैं, महिला पुरुष मिलाकर 250 है,
जिनमें से 120 तो साक्षर पुरुष हो गए, तो इनमें से 120 घटा दीजिए, 130 रह गई महिलाएं। तो महिलाएं हैं 130, साक्षर महिला होगी 130। कैसे मालूम हुआ? टोटल सभी निवासियों में 25% साक्षर है जो कि महिला पुरुष है, और 1000 का 25% बैठता है 250 साक्षरों में पुरुष साक्षर है 120, तो महिला साक्षर 130। 120 और 130 जोड़ेंगे 250 टोटल हो जाता है। देखिए 250 हो जाता है टोटल, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 250 हो जाता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है नगर में कितनी महिलाएं साक्षर है, तो 400 महिलाओं में से 130 महिलाएं साक्षर है, तो यही हमें परसेंट ज्ञात करना है। 400 में से 130 महिलाएं, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो महिला साक्षर आ जाएगी। महिला साक्षर, 20 से मैंने 20 काटा और 4 से 130 को भाग दूंगा, देखिए उत्तर आ जाएगा 4 3 12, 1 हो गए 10, 4 2 8, 2 4 5 20, 32.5%। तो महिलाओं का जो साक्षर परसेंट है वो 32.5% है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 32.5%। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान और बहुत इजी मेथड आपके सामने बताया जा रहा है, और इसी तरीके का आपको पूरी बुक कराई जाएगी, पूरी कंप्लीट बुक आपको कराई जाएगी। ये बुक जो है बहुत ही जल्दी से, बहुत ही शीघ्र है आपके सामने कंप्लीट करा दी जाएगी। इस बुक्स में 2600 क्वेश्चन है, और ये गगन प्रताप सर की लेटेस्ट बुक है, और मैं लेटेस्ट वर्जन पढ़ा रहा हूँ आपको, और नई और एक ही टेक्निक से सारे क्वेश्चनों को ईजी बना दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते रहिए। तो नए क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 32, बहुत आसान और इजी मेथड से आपके सामने किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कोई भी आयत का हो, आधार का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो उस आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए। जब 100% बढ़ जाएगा तो आयतन कितना परसेंट होगा? आयतन होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। देखिए आयतन, आयतन रिप्रेजेंट होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमारे पास ऑलरेडी पहले ही 100% क्षेत्रफल रहा होगा, ये 100%, और जैसे ही उसमें 100% की वृद्धि की जाएगी तो ये H को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आयतन को रिप्रेजेंट कर देगा, ये आयतन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो पहले 100% था, अब 100% वृद्धि और हो गई, तो आप कह सकते हो अब 200% हो गया, 100 और बढ़ा दीजिए। मैंने जैसे आपको बताया था किसी भी संख्या में यदि परसेंट वृद्धि गई तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, तो 100 पहले था, अब 100% और बढ़ गया तो 200 हो गया। तो कितना परसेंट आयतन बढ़ा है, तो आयतन कितना परसेंट बढ़ेगा? 100 से कोई चीज़ 200 हो जाती है, यानी कि 100 से 100 और बढ़ गई, जब 100 पर 100 और बढ़ जा तो 100% हमारा वृद्धि हो जाएगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखिए कितना इजी, कितना आसान आपके सामने, 100% आयतन बढ़ेगा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 100%। तो देखिए बहुत इजी, बहुत ही खतरनाक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। ए का 60% बराबर बी का 30% है, तो यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यानी कि ए की वैल्यू होगी 1 और बी की वैल्यू होगी 2, तो ए बी आप इस प्रकार लिख लेंगे, ए का रेशो हो जाएगा 1 और बी का रेशो हो जाएगा 2। देखिए यहाँ तक हमने इसको आसान कर लिया, अब आगे पढ़ेंगे। बी बराबर है सी का 40%,
यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर है सी का 40%। तो 20 × 100 × 20 × 40 बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू होती है 5। यानी बटे का मान अपना, बराबर का मान अपना। यानी कि यहाँ बी सी के साथ भी 2 के रेशो में है और बी ए के साथ भी 2 के रेशो में है। यानी कि बी का रेशो ए के साथ भी 2 है और सी के साथ भी 2 है और सी का यहाँ 5 है। तो सी का हम यहाँ 5 लिख लेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान आपके सामने। अब हमारे पास तीनों का रेशो आ गया है। सी बराबर ए का एक्स परसेंट है तो एक्स का मान बताएं। बहुत आसान, सी बराबर, सी की वैल्यू 5 है, 5 है यानी के, और ए की वैल्यू 1 है और एक्स है परसेंट। तो यहाँ से एक्स का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। परसेंट के 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे, 1 से 500 को भाग करेंगे, 500 बार कटेगा ये और हमारा एक्स का मान इस प्रकार ज्ञात हो जाएगा। तो एक्स का मान 500 है और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा 500। तो देखिए बहुत इजी, बिल्कुल आसान आपके सामने। लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, बस इसी से आपको हर क्वेश्चन कराया जाएगा। देखते रहिए, वीडियो पर बने रहे और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ही खतरनाक टेक्निक है मैथ पढ़ाने की और आपको बहुत ही आसानी से देखते देखते ही मैथ आ जाएगा। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल कर में 20% की वृद्धि हुई, जैसे उसकी जो वृद्धि, उसका जो खर्च था वो पहले कितना था, 100 था। अब उसके जल कर में 20% की वृद्धि होगी, 120/100 लिखेंगे और इसके बाद उसकी खपत में 20% की कमी हुई तो 80% लिखेंगे, क्योंकि मैंने कमी के लिए बताया है 100 में से घटाकर लिखते हैं और वृद्धि के लिए 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो धन खर्च में कितना वृद्धि या कमी होगी, यहाँ से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 12 8 96। पहले अगर खर्च था 100, अब होने लगा 96, तो कितना परसेंट की कमी हुई, 4%। 100 से 96 4% की कमी। बहुत ही आसान, बहुत ही जी, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 4% की कमी। या इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं आप, वही तरीका, 20% की वृद्धि और 20% की कमी, प्लस माइनस दोनों की गुणा करेंगे, माइनस 20 20 400/100% का चिन्ह, प्लस माइनस कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काटी और माइनस का 4 रह गया 4%, तो हम कह सकते हैं 4% की कमी। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी हल कर सकते हैं, आपकी कलाकारी है, आपका टैलेंट है, आपके सामने है, आप इसी कलाकारी, इसी टैलेंट से हर क्वेश्चन आसान करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही आसान आपके सामने। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है। यदि कार्यालय में 100% स्टाफ है तो उसमें से 40% महिला है। यानी कि 40, तो 60% पुरुष है। हम कह सकते हैं 40 महिला है तो 60 पुरुष है। बहुत आसान, इनमें से 70% महिला स्टाफ। देखिए 40 का 70% हो गया, परसेंट से 2 जीरो काटा, 4 × 7 = 28 और 50% पुरुष स्टाफ, इसका 50% परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 5 × 30
विवाहित है, ये विवाहित है। हमसे पूछा है तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का परसेंट बताओ, अविवाहित। तो देखिए 40 में से 28 विवाहित है, तो अविवाहित कितने होंगे? अविवाहित 12 हो गए, 12 महिला अविवाहित होगी, और 60 में से 30 विवाहित है, यहाँ पर ये विवाहित है। ये वाला कॉलम अविवाहित का है और ये वाला कॉलम चल रहा है अविवाहित का। 60 में से 30 विवाहित है तो बचे हुए 30 अविवाहित हो गए। अब पूछा है अविवाहित स्टाफ का परसेंट बताए, अविवाहित परसेंट कितना है? 30 ये, 12 ये, अगर इनको जोड़ा जाए तो 42 बैठता है, और जैसे कि 100 के अकॉर्डिंग 42 परसेंट होता है, तो अविवाहितों का जो परसेंट है वो 42 परसेंट है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए 42%। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 सुपर क्वेश्चन और बहुत इजी मेथड से हल हो जाएगा। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, देखिए हमारी कोई संख्या 100% थी और यदि उसे 20% बढ़ा दिया जाता है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 120। देखिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 120, तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? देखिए इसको मूल संख्या पर वापस आना है तो इस बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम करना है जिससे कि वह मूल संख्या पर वापस आ जाए? तो बहुत आसान, देखिए 120 से इसे 20 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 20। तो 120 पर 20 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 20 ठीक है, 120 बीस कम 20 ठीक है, 120 1/6। तो 1/6 यदि फ्रैक्शन में होता है तो उसे परसेंटेज में लिख देते हैं 16/3%। तो उसे कितना परसेंट कम होना पड़ेगा? 16/3%, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, 16/3%। और यदि आप नहीं जानते कि 1/6 कितना होता है, तो जैसे कि मैंने बताया किसी भी संख्या को, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो उसे 100 से गुणा करके उसे ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे 1/6 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 4 बचेगा हो गए यहाँ पर 10। देखिए 4 बचेगा यहाँ पर हो गए 40, 6 चंग 36, 6 चंग 36, शेष 4/6 2 2 4 2 3 6 16/3%। मतलब आसानी से आप कर सकते हो, 1/6 को 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह, 6 कम 6 4 36 हो गए, 6 चंग 36, 4 बच गए 6 2 2 4 2 3 6 16/3%, 16/3%। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1/6 बराबर होता है 16/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन आपके सामने, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई,
जब 12% बकरिया बाढ़ में बह गई तो कितना शेष बच गई? 88% शेष बच गई। और इस शेष बकरियों में से, इन शेष बकरियों में से 5% बकरिया किसी बीमारी से मर गई। जब 5% बकरियां बीमारी से मर गई तो 95% शेष रह गई। और यदि गांव में आवे 8360 बकरियां शेष है, तो देखिए शेष बराबर शेष, यानी कि इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट का प्रयोग किया गया है। हमारे पास इतना शेष रह गया और यहां पर रह गया 8360 शेष। अब शेष से शेष को डिवाइड करेंगे तो गांव में बाढ़ आने से पहले कुल बकरियों की संख्या कितनी थी ये मालूम हो जाएगा। तो देखिए हल करते हैं, 4 से काटेंगे इसको, 4 दुनिया 8 0, 4 9 36, ये 0। अब हम इसको 19 से काटते हैं, 19 5 95, 19 कम 19 0, 22 5 110। तो 22 5 110 से 110 कट गया, बटे का मान अपना होता है। तो गांव में बाढ़ से पहले बकरियों की संख्या थी 100 × 100 10,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 10,000 बकरियों की संख्या थी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें और आप हमारे चैनल से बने रहे, जिससे कि हम मैं आपके लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल के द्वारा आपको हर क्वेश्चन आसानी से सिखा सकूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।